भारत ने इमर्जिंग कप में नेपाल की राह बना दी आसान। अब नेपाली सूरमा करेंगे भारत का काम तमाम। इमर्जिंग एशिया कप में अब नेपाल के बढ़े आसार। दोयम दर्जे की टीम उतार कर भारत ने नेपाल का काम किया आसान। नेपाल के गोरखा अब करेंगे विपक्षियों पर कड़ा प्रहार। जिम्बाब्वे से लौटकर अब नेपाल की टीम इमर्जिंग एशिया कप मुकाबलों की तैयारियों में जुट गई है। श्रीलंका में होने वाले इमर्जिंग कप में नेपाल की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि नेपाल ने अकेले अपनी सीनियर टीम इमर्जिंग कप में उतारी है, जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, ओमान और यूएई जैसी सभी टीमों ने अपनी ए टीम को ही इमर्जिंग एशिया कप में उतारा है। नेपाल ग्रुप बी में भारत, पाकिस्तान और यूएई के साथ है। ऐसे में नेपाल को सबसे कड़ी टक्कर भारत और पाकिस्तान से मिल सकती है, लेकिन भारत ने जिस तरह इमर्जिंग एशिया कप के लिए अपनी ए टीम का चयन किया है, वो भारत के लिहाज से सी कैटेगरी की टीम है। यूं तो देखा जाए तो भारत की ये टीम किसी भी तरह का उलटफेर करने में सक्षम है, क्योंकि भारत के खिलाड़ी बहुत नामी भले ना हो, लेकिन उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। भारतीय टीम की कमान यश धूल और पंजाब रणजी टीम के कप्तान अभिषेक शर्मा को उप कप्तान बनाया गया है। बात अगर यश धूल की करें तो यश अंडर 19 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, लेकिन हाल में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। बावजूद इसके यश धूल की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें मौका दिया गया है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों की तरफ से खासा प्रभावित किया है। ओपनर बल्लेबाज साई सुदर्शन भी टीम के लिए एसेट्स हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के पास प्रभ सिमरन सिंह जैसा विकेट कीपर बल्लेबाज भी है, जिसने अभी हाल ही में आईपीएल में शतक जड़ा था। अब बात अगर भारत की गेंदबाजी की जाए तो इस टीम में दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा शामिल किए गए हैं, जिनकी स्पीड ने आईपीएल में खूब प्रभावित किया था। इसके साथ साथ लखनऊ सुपर जॉइंट्स के युवराज सिंह डोडिया, महाराष्ट्र के राजवर्धन हंगर गेकर, चेन्नई सुपर किंग्स के आकाश सिंह को गेंदबाजी स्क्वाड में जगह मिली है। अब अगर भारत की इस टीम की तुलना नेपाल की सीनियर टीम से की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाल की टीम भारत से ज्यादा मजबूत नजर आती है, क्योंकि नेपाल के पास कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, कुशल मल्ला, अर्जुन साउद और गुलशन झा जैसे दिग्गज बल्लेबाज हैं, तो सोमपाल कामी, ललित राजवंशी जैसे गेंदबाज भी टीम का हिस्सा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो नेपाल की टीम के पास भारत की टीम से कई गुना ज्यादा अनुभव है और खिलाड़ी भी भारत की टीम से ज्यादा परिपक्व हैं। अगर भारत के पास युवा जोश है तो नेपाल के पास अनुभव और युवा खिलाड़ियों का अच्छा खासा कॉकटेल मौजूद है। अगर नेपाल खुद पर भरोसा करे तो वो भारत, यूएई को हरा कर सेमीफाइनल में आसानी से पहुंच सकता है, और सेमीफाइनल में भी उसका मुकाबला श्रीलंका, ओमान जैसी टीमों की ए टीम के साथ होगा। ऐसे में नेपाल के पास सुनहरा मौका है इस इमर्जिंग एशिया कप को जीतकर एशिया कप के मुकाबलों में जाने के लिए। नेपाल की टीम में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, बस उसको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होगा। अब तो मौका भी है, दस्तूर भी है, नजाकत भी है, बस इंतजार है नेपाल की इमर्जिंग एशिया कप में जीत का। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।